व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, एआई इज हियर, यस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके पास हर चीज का आंसर है, हर चीज का सॉल्यूशन है। लेकिन आज हम चेक करेंगे कि क्या वो हमारी फैशन इंडस्ट्री के लिए खतरा बन सकता है या नहीं। तो आज हम एआई से ना बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस पूछेंगे जो एक्चुअली तुम लोगों ने ही मेरे को भेजी है, एंड देखेंगे कि वो क्या आउटफिट सजेस्ट करता है, क्या वो फैशनेबल या फिर स्टाइलिश इनफ होगा या नहीं, एंड वी जस्ट हैव टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू इट। यार आज हमें एआई कंट्रोल करने वाले हैं, बट लेट्स गेट स्टार्टेड, आई एम सो एक्साइटेड। ऑलराइट, हमारा आईपैड है हमारे हाथ में। जो फर्स्ट सिचुएशन जो तुम लोगों ने मेरे को भेजी है वो है आउटफिट फॉर आइसक्रीम डेट, एंड अभी हम एआई से पूछेंगे and it's generating. Okay. मेरे को लगा पता नहीं क्या ही फैंसी दिखाएगा, सो बेसिक ब्लैक टॉप ब्लू शॉर्ट्स एंड नॉर्मल शूज, तुम कोई भी पहन सकते हो। ओके, मैं होती तो वैसे ज्यादा स्टाइलिश आउटफिट पहनती, बट एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। हम अपने बेसिक आउटफिट में तो आ ही गए हैं, एंड ये रहे मेरे ब्लू शॉर्ट्स, वो थोड़े लंबे वाले थे तो मैंने सोचा कि आई थिंक दीज विल वर्क, एंड ऊपर उन्होंने ऐसे ही कुछ ब्लैक कैमो टॉप पहना हुआ था, तो आई एम रेडी। लेकिन मैं और मेरा दिल चाहता है कि एक सेकेंड, कि मैं बहुत ही ऐसे प्यारी क्यूट गर्ल बन के आइसक्रीम खाने जाऊँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुम ये वाला आउटफिट पहनोगे या फिर एआई ने जो बताया था वो वाला आउटफिट पहनोगे। मैं तो यही पहनने वाली हूँ, आई डोंट केयर अबाउट इट, दिस लुक्स सो नाइस एंड क्यूट, दिस इज मी, लाइक मेरी पर्सनैलिटी से जा रहा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई, यू डोंट नो मी। नेक्स्ट सिचुएशन है आउटफिट फॉर क्राइम। तुमने इतनी सैड सिचुएशन को इतना फनी बना दिया है पूछ के, एंड ओ इसमें हमें एआई की हेल्प एक्चुअल में चाहिए थी। उसने कितना मस्त ऐसा हॉट एंड ग्लैमरस सा आउटफिट निकाला है भाई साहब, आई वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग इट। सबसे पहले हमारे पास रेड पैंट्स, ये मैंने अभी रिसेंटली ऐसे 100 रुपए के लिए थे ज्वालाहेड़ी मार्केट से। तो देखो यही फर्क हो जाता है, एआई तुम्हें लुक्स शायद बता दे बट ये नहीं बता पाएगा कि कहाँ से कितने की क्या शॉपिंग मिल रही है, वो सिर्फ सोने बता सकती है। मैं जीत गई, मैंने जबरदस्ती की लड़ाई कर रखी है एआई से ना आज, बेखाम की जरूरत भी नहीं है। तो ऑब्वियसली एआई ने बहुत ही लंबी वाइट टी शर्ट बताई है, मैं तो क्रॉप ही पहनती हूँ, तो हमारे पास जो भी अवेलेबल है वार्डरोब में हम तो वही करने वाले हैं, अपना पर्सनल स्टाइल तो क्रिएट करेंगे ही ना। इसके ऊपर कुछ ऐसे मैश सा भी है मेरे पास, ये है, आई नो कलर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, बट वट एवर बेस्ट इज अवेलेबल हमारे पास हम वही करेंगे। मेरे को लग रहा है मैं इतना ब्राइट और ऐसे ब्लिंगी आउटफिट पहनूं ना तो मैं तो चुपी हो जाऊं, मैं रोऊं ना, मैं कुछ खुश हो जाऊंगी कि वाह मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। यार ये एक्चुअल में अच्छा लग रहा है। देखो अगर मैं रो रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं कोई ऐसे आउटफिट नहीं पहनूंगी पहले की, पहले मैं ये वाला पहन लेती हूँ फिर मैं रोने बैठ जाऊंगी, लेकिन दिस आउटफिट इज सो क्यूट। ये रोना छोड़ो, मैं ऐसे पहन के बाहर जा रही हूँ और मैं बहुत खुश होने वाली हूँ, और शायद मैं आइसक्रीम भी खा लूँ इसमें, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब हम चेक करेंगे कि एआई दिल से देसी है या नहीं। तो हमारे पास सिचुएशन है आउटफिट फॉर हल्दी सेरेमनी, एक सेकेंड, ओके जेनरेटिंग, इसने तो हमें बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, बट यार ये कुछ ज्यादा ही ऐसे हैवी हैवी सा नहीं लग रहा। इसमें ना एक और ऑप्शन है, अगर तुम्हें कोई आउटफिट समझ नहीं आया ना तो तुम दोबारा जेनरेट कर सकते हो, एंड वो तुम्हें लाइक और ऑप्शन दे देगा, और बेसिक येलो एंड पिंक कलर वाला आउटफिट, क्लीशे बट कोई बात नहीं, हम ये पहन लेंगे। एंड पता है इसमें ना एक्चुअली में ये चीज जनरेट कर रहा है, लाइक जो ये आउटफिट है ना ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। अगर तुम इसे जूम करके देखोगे ना, लाइक आउटफिट इसने ऐसे बना रखा है, पीछे बैकग्राउंड भी अलग है, पर्सन भी इसने लाइक ऐसे यू नो क्रिएट जनरेट कर रखा है, इट्स क्रेजी। बट अभी ये आउटफिट ट्राई कर लेते हैं। यार मेरा हल्दी का सूट थोड़ा सा आयरन होके नहीं आया, पूरा ये ऐसे मूसा सा हुआ है, किसी को पता है मूसा हुआ क्या होता है? इट्स लाइक रिंकल्ड बट इट्स ओके। ये इतना ज्यादा पुराना सूट है, एंड पता है मैंने इसको इतना बार रीयूज किया है लोगों के ऐसे शादी में, इवेंट्स, फंक्शंस में, एंड फन फैक्ट ये सेम सूट मैंने एक्चुअल में किसी की हल्दी सेरेमनी में पहना हुआ है दुबई में, एंड ये प्रॉपर जा रहा है जैसा एआई ने दिखाया है ना, लाइक पिंक एंड हल्का हल्का गोल्डन एंड येलो, जैसा एक्सेसराइजेशन कर लो एंड तुम प्रॉपर रेडी हो जाओगे। वैसे तो मेरे को लगता है कि तुम सूट ना कोई भी पहन लो, यू नो इंडियन वेयर में तो चला ही जाता है, इट्स नॉट कि लाइक हल्दी सेरेमनी तुम्हें येलो ही पहनना है अनलेस थीम है, बट या मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। एआई थोड़ा सा जीत गया इस बार भी, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग वाले सिचुएशन ट्राई करने से पहले। टुडेज वीडियो इज पॉसिबल बाय टैग द आयुर्वेदा कंपनी, यू माइट रिमेंबर फ्रॉम देयर अपीयरेंस ऑन शार्क टैंक इंडिया, एंड दे हैव सेंट मी दिस ब्यूटीफुल पैकेज
fridge full of their skincare products to track for you guys. It has everything our skin needs in summer, especially this Kumkumadi face wash with saffron and 24 karat gold dust. It's free from toxins and other harmful chemicals. Also, this 100% pure Kumkumadi face oil is super lightweight on skin and is suitable for all skin types. It is best used at night time, with or without night cream or gel. And of course, their Iladi sunscreen is a must because apni skin ko kadakti dhoop se bachana is very important. Small dots apne face and neck par lagakar simply massage it out. It spreads smoothly and leaves no white cast. Ghar se bahar nikalne ke 15 to 20 minutes pehle sunscreen lagaoge to zyada effectively work karega. This one has SPF 50 with neem for protection from UVA and UVB rays. Ingredients like Iladi helps nourish and detoxifies the skin. Its formula is super lightweight and does not do that annoying chip on the face. It heals the skin from sun damage, lightens tan and makes skin healthy. It's non-comedogenic and water resistant. It's free from all harmful chemicals and is perfect for all skin types, especially for oily skin. So do check it out. All links are in description box down below. Next situation has summer holidays. Mera favorite. Okay, outfits for summer holidays. Oh, ये actual में अच्छा लग रहा है भाई साहब. Actual में zoom करके देख रही हूँ ना, इसने generate कर रखा है पूरा image. टोपी टॉप सब कुछ. वाव, वी हैव प्लेन पिंक पैंट्स. ओके नाइस. वैसे समर हॉलीडेज में मैं चाहूंगी कि मैं ऐसे स्कर्ट शॉर्ट्स ये सब पहन के घूमूं. ये थोड़ा सा फॉर्मल लुकिंग है बट लेट्स सी. कोई भी भाई कैमी टॉप चलेगा आई गेस, बट ये काफी सिमिलर टाइप मेरे को मिल गया वार्डरोब में. क्यूट लग रहा है और उन्होंने ऊपर से टोपी भी पहनी हुई है. बट वी हैव बकेट हैट गैंग, हम तो ऐसे ही चलेंगे. ये पैंट मेरे को थोड़े से अनकंफर्टेबल इस वे में लग रहे कि लाइक वही हॉलीडेज पे सबकी यू नो अलग अलग प्रेफरेंस होती है. बट ओवरऑल ये काफी क्यूट लग रहा है. आई काइंड ऑफ लाइक इट. लाइक कलर्स भी मेरे को काफी ऐसे समरी पेस्टली लग रहे हैं. बहुत ही लाइट कलर्स है. आई काइंड ऑफ लाइक दिस लुक यार. फाइनली नेक्स्ट सिचुएशन है बायपास फॉर पीरियड. सो आउटफिट व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड. मैंने थोड़े दिन पहले अभी मैं पीरियड्स हो रखे थे मेरे को, तो आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस टू नो क्या आउटफिट है. ओ भाई साहब ये बहुत ज्यादा क्लीशे नहीं दिखा रहा. लाइक पीरियड है तो रेड, और अभी हल्दी किया था तो येलो. बट ठीक है यार, मैं वैसे ज्यादा कंफर्टेबल आउटफिट प्रेफर करूंगी, तो बहुत ज्यादा टाइट टाइट सा लग रहा है. बट लेट्स सी, वी आर बैक विद आवर रेड पैंट्स. आज ये बहुत ज्यादा काम आ रही है. एक तो इतनी ज्यादा टाइट, ऊपर से लो वेस्ट है, तो मैं तो कभी प्रेफर नहीं करूंगी पता है इसको अपने पीरियड से पहनना. बट सी आई कैन शो यू द रियल थिंग. अभी मेरे को पीरियड नहीं है तब भी मैं ऐसे साउंड इफेक्ट निकाल रही हूँ लाइक आई एम ऑन वन. बट आई एम रेडी. ऊपर मेरे पास है ये वाला ऐसे रेड टॉप फुल स्लीव्स में. मेरे को लग रहा है कि मैं टमाटर ना लगू टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट. छोटा टमाटर पता है लूज दिस. इसके ऊपर उन्होंने कोई जैकेट पहना हुआ है. मन्नी को लग रहा है कि वो एक व्हाइट शर्ट है, बट मुझे लग रहा है कि वो एक डेनिम जैकेट है. तो वी गोना गो विद डेनिम जैकेट. ये मेरे पास हाफ स्लीव में, फिलहाल फुल वाली मेरे को मिल नहीं रही है, बट हम इसको भी स्टाइलिश बना लेंगे. ऐसे बाइकर गैंग की मेंबर लग रही हूँ मैं. आई हैव सो मेनी मिक्सड फीलिंग्स अबाउट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट कंफर्टेबल. आई मीन ऑब्वियसली दीज जीन्स आर गुड बट नॉट फॉर योर यू नो पीरियड्स. उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है. मेरे को चाहिए मैं ऐसे खुला पजामा पहन के बस बैठ जाऊँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे से मैं मूव वगैरह नहीं कर सकती. एंड इवन इफ अगर मैं बाहर कहीं जा रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं कुछ कंफर्टेबल पहनूंगी. जीन्स तो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ, बट इफ यू आर समवन देन हैज अ लुक ए आई क्रिएटेड फॉर यू. कैसा लगा तुम्हें? इसी से काम चलाना पड़ेगा हमें. अभी मेरे को इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है केबीसी चल रहा है. मैं इससे कुछ पूछ रही हूँ, ये मेरे को जवाब दे रहा है. ओके सो नेक्स्ट है हमारे पास आउटफिट फॉर कॉकटेल पार्टी. ओके एक सेकेंड, जनरेटिंग. या ओके, ब्लैक ड्रेस ऊपर कुछ लेपर्ड प्रिंट में, और उसने दो दो हैंडबैग बना रखे हैं इसको. या तो ये कह रहा है कि तुम्हें ये दोनों कैरी करना है, या फिर ये ऑप्शन बता रहा है कि इधर दिस और दैट. बट आई वॉन्ट टू सी कि ये और क्या कर सकता है. आई मीन आई वुड लाइक टू हैव ऑप्शंस. यू नो मैं ऐसे पार्टी में जा रही हूँ, मैं ऐसे कोई फर्स्ट ड्रेस उठा के नहीं पहनने वाली. ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल नहीं हो गया? इट्स शोइंग मी दिस वाइट ड्रेस बेसिक. ओके बट आई थिंक आई कैन डू समथिंग इन दिस. आई हैव समथिंग. मेरे पास इतनी मस्त सी ड्रेस है, उसने क्या सिंपल सी दिखाई है. हम तो पूरे ही चार चांद लगा देंगे. एक सेकंड टाइम लगेगा मुझे वो करने में. ये वाली ड्रेस पता है मैंने इतनी पहले ली थी. जो ये राइनस्टोन्स है ना, पड़े पड़े ऐसे काले से भी हो गए, थोड़ा जंग सा लग गया. देखा मेरे को कोई पार्टी में नहीं बुलाता, तभी तो हम यहीं पे सारी पार्टी बजाते हैं. इसमें कितनी बेसिक सी वाइट ड्रेस दिखाई थी मैंने, उसमें मस्त सैटिन का कपड़ा लगा के, राइनस्टोन्स लगा के ऐसे ग्लैमरस शाइनी कॉकटेल पार्टी बना दी. ये एक्चुअल में ज्यादा अच्छी लग रही है मेरे को.
मैं वो ऐसे बेसिक वाला तो नहीं ही पहन सकती। मूविंग ऑन, हमारा फेवरेट रेड कार्पेट। ओके, रेड कार्पेट आउटफिट। उसने मेरे को तीन तीन ऑप्शन दिए, ले जा खुश रह भाई। सावित्री क्रीपी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने फेस बनाए हैं, ऐसे जनरेट करा है इसने, बिल्कुल हालत ही खराब हो गई इन तीनों की बेचारे फेसेस की। ओके, पहले हमारे पास ग्रे ऑप्शन, फिर बीच में है रेड, एंड उसके बाद दोबारा एक ग्रे ऑप्शन है। आई गेस रेड कार्पेट पे ग्रे थोड़ा सा डल सा नहीं हो जाएगा, तो हम रेड ही पहन लेते हैं, ऐसे बिल्कुल ना कैमोफ्लाज करेंगे। ओके, मेरे पास काफी सिमिलर वाला ऐसे बड़ा सा रेड गाउन तो है, ये मैंने अभी तक नहीं पहना, इस पे टैग भी लगा हुआ है। इस वाले में मस्त ऐसे कोर्से वाइब भी है, पीछे से इसे टाइट भी कर सकते हैं, इधर जिपर है। I have to remove this ताकि एक्चुअल में इसका पूरा इफेक्ट आ पाए। What is this? वैसे अभी हमने जितने भी आउटफिट्स यू नो इमेज जनरेट करवाई है इस AI से, मेरे को लग रहा है काफी सेफ खेल रहा है, लाइक ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि लाइक जो उसने गाउन दिखाया दैट्स ओके, बट लुक एट द डिजाइन एंड आजकल जो ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो मे बी नेकलाइंस और फैब्रिक्स एंड यू नो सो मेनी अदर थिंग्स, सो वो इतना आई गेस एडवांस ये नहीं दिखा पा रहा है मेरे को, बट हम तो अपना एडवांस ले रेडी होंगे। आई एम रेडी अगेन, मेरे को कोई रेड कार्पेट पर नहीं बुला रहा है, बट हम रेडी तो हो सकते हैं, हम हमेशा प्रिपेयर रहेंगे, हमारे पास आउटफिट्स होने चाहिए हर ओकेजन के लिए, एंड आई गेस ये परफेक्टली जा रहा है। आई लव दिस सो मच। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास हनीमून। ओके, हनीमून आउटफिट, वाह, अगेन लुक एट द फेस, पूरा इस जैसे जनरेट किया हुआ है, बट एनी विच वेज लुक एट द आउटफिट, कितना मस्त लग रहा है। बट हमने इसे ये तो बताया ही नहीं कि हम हनीमून के लिए कहाँ पे घूमने जा रहे हैं, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मनाली शिमला ऐसे जा रही हूँ यू नो, तो मैं ऐसा आउटफिट नहीं पहन के जा पाऊंगी, जैसे ठंड वगैरह होगी। तो आई गेस जितनी भी वेग इन्फॉर्मेशन अभी हमने इसमें डाली है उसके हिसाब से इसने अपना बेस्ट दे दिया है, तो हम भी इसके अकॉर्डिंगली ड्रेसअप हो जाते हैं यार। तो नीचे आई हैड दिस सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्कर्ट जो कि ऐसे डीप स्लिट दे रखा है इन्होंने, तो आई गेस दिस इज ओके। ऊपर भी मेरे पास काफी सिमिलर में ये बहुत ज्यादा पुराना वाला वाइट टॉप है, सी ऐसे नीचे जो कट दे रखा है काइंड ऑफ सिमिलर है इसमें, तो आई गेस भाई साहब ये तो प्रॉपर लुक लग रहा है, सेम उसकी तरह बिल्कुल ही बीच अप्रोप्रिएट आउटफिट लग रहा है। इनफैक्ट जो ये नीचे स्कर्ट है ये मैंने अभी बीच में पहना ही था मॉल डेज में, तो आई गेस ये काफी सही इसने प्रिडिक्ट किया है। इट्स स्कैरी यार, बट इट वर्क्ड। आई गेस आज हमने AI का बहुत अच्छे से यू नो टेस्ट भी किया है और इसका यूज़ भी हमने बहुत अच्छे से उठाया है यार। हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दी, मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो लग ही नहीं रहा था कि इसे समझ भी आएगा हम इस पर क्या टाइप कर रहे हो, बट इसने काफ़ी सही आउटफिट्स यू नो निकाल के दिए हैं हमें। तुम्हें क्या लगता है कि इसने अच्छा किया या नहीं, या फिर जो भी इसने आउटफिट्स निकाले तुम्हें कौन सा पसंद आया यार, मुझे बताओ नीचे कॉमेंट सेक्शन में। एंड क्या तुम एक्चुअल में AI को यूज़ करोगे अपने डेली लाइफ वाले यू नो आउटफिट्स को सिलेक्ट करने में, लेट मी नो दैट एज वेल इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। एंड इफ यू enjoyed watching today's video, like and subscribe, and I'll see you in my next one. Bye.